गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे हमारा लास्ट टॉपिक बचता है पर्ल कल्चर, बाकी मैंने सारा आपको करवा दिया है। पर्ल कल्चर जो हमारा लास्ट बचता है इसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। पर्ल कल्चर बच्चे देखो, अगर हम बात करें तो पर्ल कल्चर होता क्या है, रियरिंग ऑफ पर्ल ऑयस्टर, मतलब जो पर्ल प्रोड्यूसिंग एनिमल है जिसको हम पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, उसकी रियरिंग करना, उसकी मैनेजमेंट करना मतलब उसकी केयर करना, और उसके अंदर न्यूक्लियस को इंड्यूस करना ताकि पर्ल की प्रोडक्शन हो, ठीक। मतलब ऐसे ही हमने पर्ल ऑयस्टर को थोड़ी ना कल्चर करना है जब तक हम उसको इंड्यूस ना करेंगे पर्ल प्रोडक्शन के लिए। अब इंड्यूस कैसे करते हैं ये टेक्निक में मैं आपको बताऊंगी, ठीक। तो पर्ल कल्चर सिंपली क्या है, रियरिंग ऑफ पर्ल ऑयस्टर फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ न्यूक्लियस टू इंड्यूस पर्ल प्रोडक्शन एंड देयर पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इसको हम क्या बोलेंगे, पर्ल कल्चर। अब जो पर्ल्स होते हैं बच्चे, हमारे पास इस तरह के जेम्स होते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, अपनी ब्यूटी के लिए इनको ये बड़े फेमस रहते हैं, अच्छे खासे ब्यूटीफुल जेम्स, या हम इनको क्या बोल सकते हैं, बीड्स होते हैं, ठीक। मोस्टली राउंडेड शेप के होते हैं, बट कुछ एक डी शेप, मतलब स्फेरिकल तो खैर राउंडेड ही हुआ, थोड़ी जैसे कि मान लो ये राउंडेड है तो कुछ एक ऐसे डीफॉर्म्ड भी होते हैं, ठीक है, बट मोस्टली क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं। उसके बाद मेनली इनका कलर वाइट, शाइनी और डेलिकेट, बड़े नाजुक टाइप के होते हैं, लेकिन कभी कभार ये वाइट के अलावा और कलर्स भी इसके होते हैं, किसके, पर्ल के, ठीक। अब जो पर्ल है बनता कहाँ से, सेक्रेटेड बाय द मेंटल ऑफ ऑयस्टर, मतलब जो पर्ल ऑयस्टर का, पर्ल ऑयस्टर के अंदर वाली मेंटल कैविटी है, आपको आपने मोलस्का पढ़ा हुआ है ना, मोलस्का में आपने देखा होगा उसका एक मेंटल होता है, ठीक है, उसके बाहर शेल होता है, तो मेंटल से सेक्रीट होता है पर्ल ऑयस्टर के, मेंटल से सेक्रीट होता है पर्ल, और सेक्रीट कब होता है, जब उसको इरिटेशन फील होती है, जब उसकी बॉडी में कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल चला जाता है ना, उसको इरिटेशन फील होती है, और वो उस इरिटेशन को दूर करने के लिए इसके सराउंडिंग में नेकर सेक्रीट करता रहता है, और वो नेकर की सेक्रीशन की वजह से वो फॉरेन पार्टिकल जो है वो मोती या पर्ल की फॉर्मेशन ले लेता है, पर्ल बन जाता है, ठीक। अब जो पर्ल है स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने हिसाब से नेचुरली कोई इसके अंदर फॉरेन पार्टिकल चला गया तो भी बन सकता है, या हम उसको इंड्यूस भी कर सकते हैं, उसी बेसिस पे हमारे पास दो तरह के पर्ल्स होते हैं, एक को हम नेचुरल पर्ल बोलते हैं, एक को हम आर्टिफिशियल पर्ल बोलते हैं। नेचुरल पर्ल जो नेचुरल या फिर वाइल्ड कंडीशन में, मतलब अगर उसकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल चला जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो कोई बड़ा इशू नहीं है, तो इसको नेचुरल तरीके से जो बनेगा उसको नेचुरल पर्ल बोलेंगे। और जो आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके का मतलब क्या हो गया कि हम पर्ल ऑयस्टर की रियरिंग कर रहे हैं, उनको इंड्यूस कर रहे हैं, जानबूझ के उनके अंदर फॉरेन पार्टिकल डाल रहे हैं ताकि वो क्या करें, पर्ल की फॉर्मेशन करें। तो नेचुरल पर्ल वाइल्ड कंडीशंस में बनेगा, आर्टिफिशियल पर्ल में हम इंड्यूस करेंगे पर्ल ऑयस्टर को ताकि वो फॉर्मेशन करे, किसकी, पर्ल की, ठीक। अब उसके बाद हिस्ट्री की अगर बात करें, हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी आपने करनी नहीं है, आपने इसके कोकिची मिकुमोटो का थोड़ा सा कंसेप्ट दे देना है, ठीक है। कोकिची मिकुमोटो, मैंने आपको पहले ऑडियो में बताया था कि ये एक जापान में एक ऐसा बंदा था जिसने पर्ल कल्चर को स्टार्ट किया था। यहां पे डेट 1893 दी हुई है। 1893 क्यों दी हुई है, क्योंकि जब इसका सक्सेस हुआ था, सक्सेसफुल रहा था तो 1893, लेकिन 3 साल पहले 1890 से इसने प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट की हुई थी। 1890 से प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, 1893 में जाके इसकी जो सक्सेसफुल या सक्सेस हमें दिखी थी, मतलब इसने पर्ल जो है वो एक्सट्रैक्ट किए थे, ठीक है। तो कोकिचो मिकुमोटो जो था, एक प्रोफेसर था टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में, तो इसने स्टार्ट किया था सबसे पहले जापान में पर्ल कल्चर स्टार्ट किया था, ठीक है, और अच्छा खासा इसका पर्ल कल्चर चल रहा था। लेकिन जापान में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब कि वहां पे सैलाब भी आ जाता है, सूखा भी पड़ जाता है, एक तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन ना होने की वजह से ये सक्सेसफुल उतना नहीं रहा, ठीक है, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रही, क्योंकि जो इसका अच्छा खासा सैलाब बाढ़ आई तो इसका जो वो पाउंड वगैरह था जिसमें इसने पर्ल ऑयस्टर रखे थे वो बह के चले गए थे, ठीक है। तो 1890 में स्टार्ट किया, 1893 में सक्सेसफुल हुआ, इसको कॉमनली फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने बता दिया। अब जो मिकी मोटो है, इसको पेटेंट मिला था 1916 में। पेटेंट पता है क्या होता है, पेटेंट गवर्नमेंट एक राइट दे देती है उस बंदे को कि हाँ ये तुमने काम किया है, और ये कुछ सालों का होता है, 5, 10, 15 साल जितने भी साल का होता है एक पेटेंट होता है। उस टाइम पीरियड में कोई और बंदा वैसा कल्चर नहीं कर सकता, ठीक है। कोई और बंदा क्यों कल्चर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पूरी टेक्निक्स 3, 4, 5 सालों की उसकी मेहनत होगी, ठीक है, जिसके पीछे उसकी सक्सेसफुल हुआ तो वो दिखने लगा कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं। उसकी टेक्निक्स को हम 4, 5 सालों की मेहनत को हम यूज करके 1, 2 साल में कर सकते हैं, तो इसलिए उसको नुकसान होता है। तो उसको पेटेंट दे दिया गवर्नमेंट ने कि पर्ल कल्चर तुम कर सकते हो, कुछ सालों का पेटेंट था, ठीक। उसके बाद अगर हम अपने इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में पर्ल ऑयस्टर्स कहाँ मोस्टली दो जगहों पे मिलते हैं, एक गल्फ ऑफ मैनार एंड गल्फ ऑफ कच्छ। आपको पता नहीं ये कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात के कोस्टल एरियाज जो हैं वहां पे पर्ल ऑयस्टर होते हैं और यहाँ पे पर्ल प्रोडक्शन की जाती है।
अब पर्ल प्रोड्यूसर्स की बात करें कि पर्ल प्रोड्यूस कौन सा एनिमल करता है, ठीक है। तो पर्ल एक एनिमल जिसको पर्ल ऑयस्टर बोला जाता है। पर्ल ऑयस्टर क्या है? एक बाईवेल्विया मोलस्का। बाईवेल्विया मोलस्का जो इसका शेल जो है बाईवेल्व होता है, दो वेल्व का मिलकर इसका शेल बनता है। बाईवेल्विया मोलस्का है जो पर्ल की प्रोडक्शन करता है। और जो बेस्ट क्वालिटी का पर्ल प्रोड्यूस करता है वो पिंकटेडा स्पीशीज जो है मोलस्का की पर्टिकुलरली, वो बेस्ट क्वालिटी का पर्ल प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा कुछ और फ्रेश वाटर पर्ल्स या पर्ल ऑयस्टर या फिर मसल्स हैं हमारे पास, जैसे कि यूनियो है, एनोडेंटा है, ये भी पर्ल प्रोड्यूस करते हैं, बट बेस्ट क्वालिटी का नहीं, इन्फीरियर क्वालिटी का, ठीक है। उतनी अच्छी खासी क्वालिटी इसकी नहीं होती। अब उसके बाद अगर हम बात करें कंपोजिशन की कि पर्ल में क्या क्या चीजें होती हैं। पर्ल में 82-86% तक एरोगोनाइट क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एरोगोनाइट मतलब हार्ड जो है क्रिस्टल, जैसे आपने चीनी के दाने देखे ना, शुगर के देखे होंगे, तो वैसे वाले हार्ड क्रिस्टल्स होते हैं इसमें, ठीक है। पर्ल की जो 82-86% कैल्शियम कार्बोनेट, 10-14% आ जाएगा इसमें ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, एक प्रोटीन होती है स्क्लेरोप्रोटीन या कॉन्च्यूलिन प्रोटीन बोलते हैं, या 2-4% इसमें क्या होगा, वाटर होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं पर्ल फॉर्मेशन। अब ये जो पर्ल फॉर्मेशन है ये बच्चे नेचुरल पर्ल फॉर्मेशन, नेचुरल तरीके से किस तरह से उसकी बॉडी में पर्ल फॉर्मेशन होगी ये हम करते हैं। देखो पर्ल, मैंने अभी बताया कि पर्ल जो है ये बनता क्यों है, एज अ प्रोटेक्टिव मेजर। मतलब जो पर्ल ऑयस्टर है उसकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जैसे कि कोई एक रेत का दाना हो गया, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कोई एग हो गया, कोई पैरासाइट हो गया, या स्मॉल पीसेज ऑफ प्लांट और एनी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर, जो मर्जी उसकी बॉडी के अंदर चला गया, पर्ल ऑयस्टर की बॉडी के अंदर चला गया, उसको इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी। सेंस ऑफ इरिटेशन को डिक्रीज करने के लिए उसके सराउंडिंग में वो नेकर व्हाइटिश कलर का फ्लूइड वो सेक्रेट कर, नेकर बोले ना नेकर, ठीक है, नेकर क्या है, व्हाइटिश कलर का फ्लूइड वो सेक्रेट करना शुरू कर देगा, और इतनी सेक्रेशन होती रहेगी जब तक उसको इरिटेशन खत्म होती, ठीक। अब जब जो हमने फॉरेन पार्टिकल है, ये नेचुरल तरीके की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहे, फॉरेन पार्टिकल उसकी बॉडी में किसी भी तरह से एंटर हो सकता है, ठीक, एंटर हुआ मेंटल कैविटी और नेक्रस लेयर जो है उसके अंदर वो जाके फंस गया, लॉक्ड हो गया, ठीक। अब उसको इरिटेशन हो रही है, पहले वो क्या करेगा, उस फॉरेन पार्टिकल को पूरा इनक्लोज कर लेगा, ठीक है, मतलब अपनी स्किन के अंदर उसको इनक्लोज करेगा, उसके बाद वो सेक्रेशन स्टार्ट कर देगा उसके सराउंडिंग में, कब तक, जब तक सेंस ऑफ इरिटेशन ओवर होती, ठीक। और जो मैंने बताया कि हाँ मेंटल की लेयर में इनक्लोज हो जाएगा, अब देखो उसकी जो शेल है, शेल के अंदर मेंटल है ना, उसकी तीन लेयर्स होती हैं, एक पेरियोस्ट्रैकम, एक प्रिस्मेटिक और एक नेक्रस लेयर। पेरियोस्ट्रैकम बाहर वाली लेयर होती है, हार्डर होती है, और इसमें सिर्फ एक ही प्रोटीन होती है कॉन्च्यूलिन। उसके बाद प्रिस्मेटिक लेयर है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट की मिलके बनती है। और तीसरी जो लेयर है नेक्रस लेयर, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, इसमें कॉन्च्यूलिन प्रोटीन भी होती है। तो ये तीन लेयर्स हैं मेन जो पर्ल की फॉर्मेशन नेक्रस लेयर करती है। नेक्रस लेयर जो है वो क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट करती रहती है, कॉन्च्यूलिन प्रोटीन उसके सराउंडिंग में सेक्रेट करती रहती है, जिसकी वजह से पर्ल जो है वो शाइनी लस्ट्रस टाइप का जो पर्ल वो बनता है, ठीक। ये नेचुरल कंडीशन मैंने आपको बताई। अब फॉर्मेशन ऑफ कल्चर्ड और आर्टिफिशियल पर्ल, आर्टिफिशियल तरीके से हम पर्ल किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं। आर्टिफिशियल तरीके का मतलब है कि हमने एक मेनमेड पॉन्ड टाइप का रखा है, जिसमें हमने लाके पर्ल ऑयस्टर का रखना है, उनको इंड्यूस करना है और उनमें से पर्ल की फॉर्मेशन करनी है। सबसे पहला काम क्या किया जाता है, कलेक्शन ऑफ ऑयस्टर्स, कि हमने समंदर से जाके सी बिल्कुल डीप पे बॉटम पे रहते हैं ऑयस्टर्स, वहां से जाके ऑयस्टर्स को कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के लिए हमें अच्छे खासे सी डाइवर्स चाहिए। कौन से सी डाइवर्स, जो एक्सपर्ट हों इस काम में, जो एक्सपर्ट हों। तो हमें सी डाइवर्स चाहिए, और वो सी डाइवर्स के पास नेट होती है, नेट की हेल्प की वजह से वो जाके पर्ल ऑयस्टर को बिल्कुल बॉटम से कलेक्ट करके रखते हैं। जो अच्छा खासा एक्सपर्ट डाइवर है, 2-10, मतलब एक बार वो डाइव करेगा 2-10 ऑयस्टर्स को पकड़ के लाएगा, जो अच्छा खासा एक्सपर्ट है, ठीक है। क्योंकि इतने बहुत ज्यादा, जैसे फिशेज होती है ना, फिशेज की तरह उतने ज्यादा थोड़ी हैं ये ऑयस्टर्स, ये थोड़े कम होते हैं, इनका नंबर थोड़ा कम होता है, होते भी छोटे छोटे हैं, तो इनको पकड़ने के लिए अच्छा खासा एक्सपर्ट बंदा चाहिए, जो एक्सपर्ट बंदा है 2-10 ऑयस्टर्स को एक बार पकड़ के लाता है, जो उतना एक्सपर्ट नहीं है तो वो कम कम पकड़ के लाते हैं, ठीक है। अब जो देखो बेस्ट टाइम फॉर कलेक्शन, के हमें पर्ल ऑयस्टर्स को कौन सा टाइम है जो ज्यादा बेस्ट रहेगा कलेक्शन के लिए, अर्ली मॉर्निंग टू मिड डे कलेक्शन का बेस्ट टाइम है। बेस्ट सीजन की बात करें तो समर के जो 2 महीने हैं वो बेस्ट सीजन रहते हैं कलेक्शन ऑफ
ऑयस्टर्स के लिए। ठीक, उसके बाद रेयरिंग ऑफ ऑयस्टर, हमने पर्ल ऑयस्टर्स को निकाला, ऐसा नहीं है कि हम उनको लैंड पे आके रेयर करेंगे, हमने उनको पानी में ही रखना है क्योंकि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो एक्वेटिक पानी में ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, उनको प्रोटेक्टिव केज में रखना है, मतलब एक अलग तरह की केजेस बनाई हुई है जिसमें हम पानी में वो केज रखेंगे लेकिन उसके अंदर या बाहर कोई एनिमल ना तो बाहर से कोई आ सकता है ना अंदर से वो ऑयस्टर्स बाहर जा सकते हैं, ऐसी जाली सी बनाई रखी होती है उसके अंदर हम इनको रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टॉक्ड केज बोलते हैं, उसी पानी में हमने रखना है। अब केज में रखने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई और एनिमी उनको आके खा ना सके, क्योंकि एनिमीज रहते हैं ना वहां पे, कहीं और सारे मुलस्कन होते हैं और भी अलग अलग एनिमल्स होते हैं पानी में तो वो उनको खा सकते हैं, उनकी उनसे प्रोटेक्शन के लिए हम इनको केज में रखते हैं। ठीक, उसके बाद हमने केज में रखने के बाद हमने क्या करना है, इम्प्लांटेशन ऑफ न्यूक्लियस, अब उनके अंदर हमने फॉरेन पार्टिकल जिसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं उसको इंसर्ट करना है ताकि उनको इरिटेशन हो और उसके बाद जो है पर्ल की फॉर्मेशन हो। अब जब इंसर्ट करेंगे तीन तरीके से कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम मेंटल कैविटी में नॉर्मल तरीके से इंसर्ट कर दें, मेंटल कैविटी में कोई फॉरेन पार्टिकल इंसर्ट करते हैं, पर्टिकुलरली हम जो यूज करते हैं सीड्स यूज करते हैं। अब जो सीड्स है ना हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पर्ल ऑयस्टर के वो जो मेंटल कैविटी है उसी को ले लेते हैं, उसको टुकड़ों में डाल के टुकड़ों में कट करके उसकी मेंटल कैविटी में इंसर्ट कर देंगे, या कभी कभार हम मेंटल कैविटी के बिल्कुल इनर लेयर में इंसर्ट करते हैं, इसको इम्प्लांट बोलेंगे। एक तो होता है सिंपली मेंटल कैविटी में डाल देना, एक मेंटल कैविटी की इनर लेयर में इम्प्लांट करना, ठीक है, या हम उसके गोनेड्स की वाली साइड उसको क्या कर सकते हैं, उस सीड को इम्प्लांट कर सकते हैं। तो तीन तरीके से हम उसको इम्प्लांट करते हैं, एक मेंटल कैविटी में डायरेक्टली, या मेंटल कैविटी की इनर लेयर में, या फिर उसके गोनेड्स वाली साइड हम उसको इम्प्लांट करेंगे। ठीक, इम्प्लांट करने के बाद हम, अब हमने अगर कभी कभार एक एक पर्ल को, एक एक मतलब जो हम कल्चर कर रहे हैं तो एक एक पर्ल को हम अलग अलग से इंसर्ट करते हैं ताकि सक्सेस रेट हाई रहे। ठीक, उसके बाद लास्ट स्टेप आता है इंसर्ट करने के बाद हार्वेस्टिंग, जो हार्वेस्टिंग की जाती है मोस्टली दिसंबर टू फरवरी के महीनों में की जाती है, मतलब सर्दियों के महीनों में की जाती है हार्वेस्टिंग। ऐसे नहीं है कि आज हमने इंसर्ट किया तो, या एक साल के बाद, अप्रोक्सीमेटली तीन साल के बाद, इंसर्शन के तीन साल के बाद हमें जाके हार्वेस्टिंग करनी होती है। ठीक है, तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का पर्ल है वो लिंगा पर्ल, उसको कंसिडर किया जाता है बेस्ट क्वालिटी का पर्ल है, बाकी और भी कई सारे पर्ल हैं बट उतने अच्छे खासे पर्ल नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा ये है बच्चे इमिटेशन ऑफ पर्ल, इमिटेशन आपको पता है नकल करना, पर्ल की इमिटेशन की जाती है, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि क्या किया जाता है, हम फिश के स्केल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके अंदर बीड डालते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल मोती डाल देंगे, फिश के स्केल्स को एक्सट्रैक्ट करके डालते हैं और उनको अच्छा खासा बॉइल्ड करते रहते हैं और वो जो स्केल्स की शाइनिंग नेचर होता है वो इन बीड्स पे चढ़ जाता है, उस वजह से हम आर्टिफिशियल पर्ल बनाते हैं और मार्केट में सस्ते दामों पे वो मिल जाते हैं। ठीक, ये इमिटेशन ऑफ पर्ल में आएगा। उसके बाद अगर हमने पर्ल कल्चर स्टार्ट किया है तो उस पोंड की पर्टिकुलर मेंटेनेंस करनी होगी, मतलब हमें फूड वगैरह जो है वो टाइम टू टाइम फीड करवाना है। ठीक है, कल्चर यूनिट्स में हमें क्लीनिंग करनी रहनी है, ऐसा नहीं कि गंदगी रहे, क्लीन करेंगे उतना ज्यादा हमें बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद हमने पोंड को फर्टिलाइज करना है ताकि नेचुरल तरीके से एल्गा वगैरह ग्रो करें और उसको वो खाता रहे। ठीक है, तो ये सारी हमें कंडीशंस भी मेंटेन करके रखनी है ताकि हमारा एक अच्छा खासा पर्ल कल्चर जो है वो चल सके। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसके बाद और हमारा कुछ बचा नहीं है। अब अगर कहीं कंफ्यूजन होगी या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो।